आपने नट कौन कौन से खाए? सर नट तो कसने के होते हैं, खाने वाला कौन सा है? सर मैं ड्राई फ्रूट के अंदर जो नट्स अच्छा, होते हैं अच्छा, जैसे कि वॉलनट यानी कि अखरोट, अखरोट केशव नट, बादाम, पीनट यानी कि मूंगफली, तो आपने कौन कौन से खाए? सर तकरीबन त्योहार पे खाने का मौका मिलता है सर, सभी खा लिए सर, पिस्ता हुआ, बादाम हुई, काजू, अखरोट और चारोली। सर जैसे कि अलग अलग प्रकार के नट्स होते हैं जैसे कि पीनट यानी मूंगफली, वॉलनट मतलब कि अखरोट, इस टाइप की कौन कौन सी चीजें खाई आपने? सर वैसे मूंगफली तो हमारे यहाँ जो बाजारों में मिलती है सर्दी के मौसम में, तो सेक लेते हैं उसको और खा लेते हैं। और वैसे जो काजू बादाम की चीजें हैं तो एक खीर वगैरह बनती है हमारे यहाँ, कोई से त्योहार वगैरह आते हैं तो उस पर बन जाती है, वो खा लेते हैं हम। सर काजू बादाम हुए, अखरोट हुए और मखाने हुए, सब तो त्योहारों पर खाने का मौका मिलता है। बाकी आड़े दिन तो हमारे वहाँ इतना चला नहीं भी नहीं और महंगे भी इतने मिलते हैं तो हम खरीद कर खा भी सकते हैं। सर आपने कभी हेजलनट का नाम सुना है? नहीं सर, बहुत अजीब नाम है, नहीं सुना। और कोकोआ? कोकोआ नहीं, बहुत अलग नाम है दोनों। हेजलनट सर नहीं सुना है, ये नाम तो पहली बार ही सुनने में आ रही है, कोई जानकारी नहीं मुझे इसके बारे में। हेजलनट ये तो पहली बार नाम सुनने में आ रहा है मेरे। आप न्यूटेला के बारे में भी कुछ नहीं जानते होंगे फिर तो? नहीं अरे सर कैसे कैसे शब्द है ये? सर न्यूटेला का भी नहीं मालूम मुझे तो। ठीक है सर, आज हम आपको न्यूटेला खिलाने वाले हैं जो कि हेजलनट और कोकोआ से बना एक स्प्रेड है। हाँ। तो आप उसे खाएं और खाकर अपना फीडबैक दें। आपको बताना चाहूंगा हेजलनट भी उसी टाइप का नट होता है जैसे कि वॉलनट, पीनट वगैरह होते हैं। ओहो ये कुछ नया आया है नहीं मार्केट में। सर जहाँ तक ये ड्राई फ्रूट की आप बात कर रहे हो, जैसे नाम बताया मैंने, अखरोट है, पिस्ता है, ये चीज़ें कहीं पर, आप जो नाम बता रहे हो सर ये तो आज तक मेरे जबान ने चखा नहीं सर, ये चीज़ बहुत दूर है सर मेरे नज़रों से, ना देखी सर मैंने मेरी दुकानों पर। सर वैसे जानकारी तो नहीं मुझे, आपने बताया है तो मालूम पड़ा मुझे, अब वो चीज़ मेरे सामने आई उसका खाने के बाद टेस्ट भी मालूम करेंगे फिर उसकी जानकारी आपको देंगे। क्या बात है। सर आपने कड़क कड़क ब्रेड रख दी हैं। अच्छा सर आप इसके बारे में बात कर रहे थे ना, ये जो है सर वो हेजलनट, यार दिखने में तो बादाम वो अखरोट जैसा लग रहा है मुझे यार। अच्छा इसका इसका घोल बना दिया अंदर है इन्होंने कत्थे कलर का। सर इसकी वाइटली वीआईपी दिख रही है मुझे, वो चीज भी अंदर से वीआईपी निकलेगी। और हाँ अच्छा ब्रेड इसलिए रखे हैं इसमें कि इसके अंदर भी ब्रेड है। सर वैसे इसको खाने के बाद टेस्ट मालूम पड़ेगा कैसी क्या चीज है। सर इसका क्या बता रहे थे नाम? सर इसका नाम न्यूटेला है और ये हेजलनट और कोकोआ स्प्रेड है। अच्छा इसके अंदर ही हेजलनट। अब ये तो ये खट्टे बन पे एक मीठे बन पे एक मिर्ची का है कि कैसा है, तो खाने के बाद ही पता चलेगा इसके अंदर कैसा क्या निकले। सर चॉकलेट से खुशबू आ रही है। आहा आहा मजा आ गया। सर वैसे मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने बचपन में चमन पिलास खाया था और हमारे यहाँ भी डब्बा इस उस टाइप का ही आया था थोड़ा। बाकी इसका मजा आ गया, इसको खाने के बाद मालूम पड़ेगा चमन पिलास जैसा तो नहीं है। कलर तो इसकी इमली की चटनी जैसा आएगा और खुशबू इसकी चॉकलेट जैसी आ रही है। ये बात तो साफ होगी कि वाकई में मीठा होगा, वाकई में जबरदस्त होगा। सर इसको अपन लगाएंगे तो बाद में पहले चखले। आहा क्या चीज खिलाई सर आपने यार। आहा हा काजू बादाम की याद दिला दी। वाह 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 बहुत बढ़िया यार सर, बहुत प्यारी लग रही। क्या चीज है यार, एक नंबर लग रही यार। वाकई में पूरा चॉकलेट का चॉकलेट जबरदस्त,
बिल्कुल जैसे लग रहा है रबड़ी में चॉकलेट मिला दी हो, बाकी में भी एक नंबर स्वाद इसका तो है यार। चीज़ तो बड़ी प्यारी है यार। सर ईमानदारी से मुझे इसमें स्वाद जो आ रहा है वो चॉकलेट का और मूंगफली का आ रहा स्वाद, थोड़ी थोड़ी मूंगफली का स्वाद आ रहा है। हालांकि इसमें काजू बादाम वाला स्वाद नहीं आ पा रहा मुझे, ना अखरोट वाला, लेकिन मूंगफली का स्वाद लग रहा है मुझे। और वो चीज़ पहली बार खाई है तो सर वो उससे मिलूंगा, क्योंकि मुझे तो उससे लग रहा स्वाद कि मूंगफली के मूंगफली कूट के अपन पीसते हैं ना उस तरीके का स्वाद आ रहा। सर आप बता रहे हो इसके अंदर हेज़लनट डला हुआ जो वो बता रहा हूँ, बाकी मुझे इसमें प्योर चॉकलेट ही चॉकलेट का स्वाद आ रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले नहीं वाले में तो इसको खाया मैंने तो चॉकलेट जैसे लग रहा है मुझे, आगे और खाऊं मैं तो आपको बता पाऊँ कि कैसा क्या लग रहा है मुझे, पर पहले आ रहे हो तो बिल्कुल चॉकलेट का वापस दिख रहा है मेरे को। अब सर क्या है कि ये सर जो ड्राई फ्रूट है सर अक्सर हम तो त्यौहार पर खाते हैं, और सर ये तो सर मुझे अमीर घर की जो है कि शौक दिख रहा है। सर वैसे मैंने जब इसको देखा था तो थोड़ा जमा हुआ लग रहा था, बाकी ये देखो थोड़ा चिपचिपेपन पे और टपक रहा है। मजा ला दिया चीज ने यार। सर क्या है कि जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो तो होते हैं महंगे, ये बॉटल कितने की? सर ये 280 रुपए की। ये इतनी सी बॉटल काफी महंगी है। सर वैसे मैंने ब्रेड पे कभी आज तक तो लगाया नहीं है, कोशिश करते हैं कैसे क्या लगाते हैं और फिर उसका आनंद लेते हैं खाने के बाद। सर इसको तो बड़ी कठिनाई आ रही है इसको लगाने में, पहले ही नहीं पा रही हूँ बराबर से इसको, तो पहली बार लगा रही हूँ सर। सर इसको देख सकते हैं आप, इसको लगा चुका हूँ पूरे बेहतरीन तरीके से, इसको साथ इसके खाएंगे यार। अरे वाह यार वाकई अमीरों को ही खाना है ये। क्या बात है यार मजा आ गया, सोने पे सुहागा हो गया है। तो इसके साथ साथ ब्रेड भी मिली आज, तो ब्रेड पे भी बढ़िया लग रही है ऐसा नहीं है। ब्रेड के साथ भी वाकई में भी लाजवाब चीज लग रही है, क्योंकि मीठी चीज तो वाकई में भी लाजवाब भी लगती है जबरदस्त, एक नंबर मजा आ रहा था वाकई में खाते के साथ ही। ब्रेड के साथ भी अच्छा लग रहा है मजेदार चीज। ब्रेड के ऊपर जो है कि ये हेज़लनट का मस्का चिपड़ दिया हमें, जो है कि हमारा वो वक्त याद है कि हम जब छोटे थे तो अक्सर जो है कि रोटी के अंदर शक्कर डाल के और गुड़ डाल के गुड़ी मुड़ी बना के खाते थे। सर ये ऐसी चीज बन गई है कि इसको 4-5 खा लूं नहीं मैं तो मेरा पेट भरा जाए, खाने की छुट्टी हो जाए। ये हमारी देसी स्टाइल में खाना, मोड़ का भोंगली बना के खाना। भेड़ के साथ खाना तो अच्छा लग रहा है, पर मेरे साथ तो रोटी पराठा जो मिल जाए उसका लपेट के खा लो, मैं तो इतनी मजेदार चीज है वो, लाजवाब चीज है। सर ये जो ब्रेड है ये आपने उसको सेक के कड़क करा है, क्योंकि सर अक्सर हम जो ब्रेड देखते हैं वो नरम होते हैं मुलायम, उसका जो है कि आकार भी काफ़ी बड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ये चीज़ें हैं शायद हो सकता है ये बड़े ब्रेडों में ही काम आती होगी, ये जो बड़े ब्रेड है उसमें अच्छा लगता हो, जो छोटे ब्रेड इतने बड़े रहते हैं नरम भी रहते हैं तो शायद हो सकता है उसमें।
सर थोड़ा लग तो रहा है इसमें, पर मूंगफली और बादाम जैसी चीज भी डली हुई है, बाकी खाने में बहुत मजा आ रहा। अब हमारे वहाँ क्या है, काजू बादाम वगैरह ये बहुत महंगे मिलते हैं, पर जब भी कभी कभार मिलते हैं नहीं, तो हम इस वजह समझ से खाते हैं कि वहाँ बहुत ताकतवर चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, तो इसको झटपट खा लो क्योंकि बहुत ताकतवर माने जाते हैं, बहुत महंगे भी मिलते हैं।